भाई साहब, मेरे ख्याल में तो बॉलर्स मासूम होते हैं। क्या विकेट तोड़ना, बल्ला तोड़ना या फिर खोपड़ी तोड़ने जैसी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं इनकी, और तेज से भी तेज गेंद फेंकने जैसा एक छोटा सा ख्वाब। सारा कैरियर जोर लगाते लगाते गुजर जाता है कि कोई तो गेंद 161.3 से ऊपर जा पाएगी। वैसे अगर आप भी एक बॉलर हो तो तेज गेंद फेंकने से लेकर ये सभी ख्वाब आपके भी जरूर होंगे, है ना? और अगर इनमें से कोई एक ख्वाब भी सच साबित हो गया है ना, तो यकीन मानो आप महान हो। मतलब अगर आपने कभी अपनी गेंद से बल्ला, विकेट या फिर किसी का सर फोड़ा है ना, तो सीना चौड़ा करके कमेंट करो भाई साहब, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। और अगर यही जुल्म आपके साथ हुआ था तो रहने दो, गजब बेइज्जती है। दोस्तों, शुएब अख्तर की 161.3 की रफ्तार से फेंकी गई सबसे तेज गेंद आज भी दुनिया भर के बॉलर्स के लिए एक खुला चैलेंज है भाई साहब। और हम फैंस हर तेज बॉलर से ही उम्मीद लगा बैठते हैं कि शायद वो शुएब का रिकॉर्ड तोड़ ही डालेगा। जैसे ब्रैटली के बाद हमारी उम्मीदें शॉन टेट से थी और फिर मिचेल स्टार्क से। हर नए स्पीड स्टार को लेके फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स इतनी प्रेडिक्शंस कर देते हैं ना कि वो बॉलर खुद भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन शुएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली कोई भी प्रेडिक्शन आज तक सच साबित नहीं हो सकी भाई साहब। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इस दौर के किस बॉलर के बाजू में है इतना दम जो शुएब का रिकॉर्ड तोड़ सके। बस आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, दोस्तों 22 यार्ड की इस नजर आने वाली विकेट पर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि किस्मत खेलती है। कोई आता है और छा जाता है और कोई बेनाम ही रह जाता है। शुएब के बाद ब्रैटली आए और फिर शॉन टेट, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की सीट खाली हो गई थी, तो फिर एंट्री मारी मिचेल स्टार्क ने। 2010 में इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया, मगर ना तो स्पीड दिखा पाए और ना ही विकेट ले पाए। कई बार टीम से भी ड्रॉप किया गया, मगर मेहनत से वापसी की। एक बार तो इंजरी का शिकार हुए तो 8 माह तक क्रिकेट के मैदान में कदम भी नहीं रख पाए। लेकिन स्टार्क का सिक्का तब चमका जब 2013 में इंडिया के खिलाफ स्टार्क ने एक गेंद 158.6 की रफ्तार से किया, तो स्पीड मास्टर्स की लिस्ट में स्टार्क का नाम भी शामिल हो गया। 2013 से 2018 तक स्टार्क पर ऐसा अरूज रहा ना, जिसमें उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए और कई तोड़े। वर्ल्ड कप 2015 के हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर भी बने और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में अपने कैरियर की सबसे तेज गेंद भी फेंक डाली। स्टार्क का रोज टेलर के खिलाफ किया गया वो गेंद 160.4 की रफ्तार से था, और ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख का सबसे तेज गेंद भी है। और उसके बाद 2015 से आज तक फैंस स्टार्क की हर डिलीवरी को यही सोचकर देखते हैं कि शायद कोई गेंद 161.3 का रिकॉर्ड तोड़ ही डालेगी। मगर स्टार्क फिर कभी भी दोबारा इतनी स्पीड नहीं दिखा पाए, लेकिन वो ऐसा करने की एबिलिटी जरूर रखते हैं भाई साहब। वैसे आपका क्या ख्याल है, स्टार्क 161 की रफ्तार को छू पाएंगे या नहीं? नंबर दो, दोस्तों कुछ फास्ट बॉलर्स तेज तो होते हैं मगर अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब एक गेंद 155 की रफ्तार से फेंकने के बाद दोबारा इतना तेज गेंद डालना इनके बस की बात नहीं होती। मगर कुछ बॉलर्स तो जनाब स्पीड का पटारा होते हैं, जैसे ये तेज बॉलर लोकी फर्गसन। 2016 में तेज कीवी बॉलर एडम मिलन की इंजरी के बाद इनकी जगह लोकी फर्गसन को पहली बार टीम में शामिल किया गया था, और फर्गसन ने वो सीट ऐसी संभाली ना कि वो टीम के पक्के पक्के बॉलर बन गए। 2017 में इन्हें इनकी स्पीडी डिलीवरीज देखकर आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट ने खरीदा। 2019 के वर्ल्ड कप में फर्गसन ने अपनी स्पीड के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों को बेबस कर दिया था। मतलब वो लगातार 150 प्लस की रफ्तार से गेंद फेंकते थे, और ना तो इनकी स्पीड कम होती थी और ना ही बल्लेबाज सेट हो पाते थे। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि फर्गसन अगर थोड़ी मेहनत और करे ना, तो 160 की रफ्तार को आसानी से टच कर सकते हैं, क्योंकि एक स्मूथ और सिंपल एक्शन के साथ वो 155 की रफ्तार तक पहले ही बाल करवा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या फर्गसन 160 की रफ्तार को टच कर पाएंगे या नहीं? नंबर तीन, भाई वैसे तो इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज होने का सेहरा मार्क वुड के सर जाता है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 156.5 की रफ्तार से बाल फेंक चुके हैं। मगर बारबाडोस में पैदा होने वाले और वेस्ट इंडीज के लिए अंडर 19 खेलने वाले जोफ्रा आर्चर की किस्मत में भी तो इंग्लिश टीम के साथ राज करना लिखा था। 2016 में जब डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मैच में जोफ्रा आर्चर ने 153 की रफ्तार से बॉल फेंकी, तो हर तरफ इन्हीं के चर्चे शुरू हो गए थे, क्योंकि वो साल के सबसे तेज गेंदबाज बन गए थे। जिसके बाद वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल का हिस्सा भी बने और पीएसएल भी खेली। लेकिन आर्चर की किस्मत भी तब चमकी जब 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाया और इंग्लिश टीम के लीडिंग विकेट टेकर बॉलर भी रहे।
टेस्ट में डेब्यू किया तो स्टीव स्मिथ समेत सभी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए और अपने पहले ही टेस्ट मैच में 155 की रफ्तार से एक तेज गेंद भी फेंक डाला। कुछ लोगों ने इन्हें फ्यूचर का स्पीड मास्टर कहा और कुछ ने स्टेन गन, लेकिन फिर इंजरीज ने आर्चर को क्रिकेट से दूर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि आर्चर वापस आकर 160 की रफ्तार से बॉल फेंक पाएंगे? नंबर 4, भाई ये बात है 2017 की, जब तीन दोस्त पाकिस्तानी शहर इस्लामाबाद से गुजरांवाला क्रिकेट ट्रायल देने के लिए जाते हैं, लेकिन लेट हो जाने की वजह से इन्हें स्टेडियम के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता, तो वो छुपते छुपाते गेट के ऊपर से ही मैदान में घुस जाते हैं। तीनों ही टेनिस बॉल के बॉलर होते हैं और हार्ड बॉल को कभी छुआ भी नहीं होता, मगर उस दिन उनमें से किसी एक की किस्मत चमक जाती है और वो लाहौर कलंदर के लिए सिलेक्ट हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। एक अनोखी से एक्शन और अजीब रनर अप के साथ बॉलिंग करने वाले हारिस रऊफ अपनी तेज गेंदबाजी की वजह से सिलेक्ट हो जाते हैं। 1,45,000 बॉलर में से हारिस रऊफ ही एक ऐसे बॉलर होते हैं जिन्होंने उस दिन 149 की रफ्तार से गेंद फेंका था, और वो भी पहली बार हार्ड बॉल पकड़कर। इसके बाद हारिस रऊफ ने BBL में भी धूम मचाई और PSL में भी, और T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी उन्होंने 154.7 की रफ्तार से गेंद फेंका। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त दो ऐसे बॉलर्स और भी हैं जो हारिस से भी तेज गेंद फेंक सकते हैं, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 155.1 की रफ्तार से गेंद डाला था, और मोहम्मद हसनैन भी CPL में 156.5 की रफ्तार दिखा चुके हैं। तो क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में तो हारिस रऊफ और हसनैन दोनों ही 160 तक स्पीड दिखा सकते हैं। नंबर 5, भाई एक स्पीड स्टार के लिए चैलेंज उसके सामने खड़ा बल्लेबाज नहीं होता, बल्कि उसकी फिटनेस होती है, क्योंकि आज तक जितने भी तेज बॉलर गुजरे हैं इनके कैरियर को इनकी फिटनेस और इंजरीज नहीं कम कर दिया था। कुछ ऐसी ही कहानी है इस अफ्रीकी बॉलर एनरिच नॉटेज की, जो पहली बार साउथ अफ्रीकी क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आए थे और इनकी रॉ स्पीड देखकर 2018 में KKR ने इन्हें खरीद लिया था। 2019 में वो अपनी नेशनल टीम के लिए तो खेले, मगर इंजरीज ने इन्हें वर्ल्ड कप से भी दूर कर दिया और IPL से भी। 2020 में उन्होंने कमबैक किया और दिल्ली कैपिटल का हिस्सा बने और कगिसो रिबाडा के साथ मिलकर धूम मचा दी। IPL सीजन की पहली और IPL हिस्ट्री की दूसरी सबसे तेज डिलीवरी 156.1 की रफ्तार से भी फेंकी, जिसके बाद कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इनकी स्पीड को लेकर कई सारी प्रेडिक्शंस की, मगर इनकी फिटनेस ने हर चीज पर पानी फेर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि नॉटेज 160 की रफ्तार तक पहुंचने वाली एनर्जी, पावर और स्किल्स रखते हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा या फिर आप बताइए। भाई ये कहानी है 1999 में जन्म लेने वाले एक बच्चे की, जिसके फादर जम्मू एंड कश्मीर में सब्जी और फल बेचा करते थे, मगर इस बच्चे का सिर्फ एक ही शौक था और वो था क्रिकेट। वो रात को टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था और काफी तेज गेंद डालता था। 2018 में अपनी रॉ स्पीड दिखाकर उसने अंडर 19 में जगह भी बना ली थी, मगर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था। करते कराते वो यंगस्टर रांची ट्रॉफी में एज ए नेट बॉलर भी बन गया था। लेकिन असल कहानी शुरू होती है 2019 में, जब चेन्नई में लगे MRF कैंप में इसको भी मौका मिल जाता है और फिर चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। वहीं से इनकी मुलाकात इरफान पठान से होती है, जो इनकी खराब लाइन और लेंथ पर काफी काम करते हैं। वहीं से वो सनराइजर हैदराबाद का नेट बॉलर बन जाता है, तो नेट में भी डेविड वॉर्नर जैसे बल्लेबाज को अपनी तेज गेंदों से परेशान कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान मलिक की। एक खूबसूरत रनर अप और स्मूथ एक्शन के साथ तेज गेंदबाजी करने वाले इमरान मलिक को वो गोल्डन चांस तब मिलता है जब हैदराबाद के बॉलर टी नटराजन कोविड की वजह से टीम से बाहर हो जाते हैं और इमरान को इनकी जगह चांस दे दिया जाता है। इमरान अपने पहले ही मैच में स्पीड दिखाकर सबकी अटेंशन हासिल कर लेते हैं, और स्पीड भी ऐसी कि पहले कोई भी इंडियन बॉलर इतनी तेज गेंद नहीं फेंक पाया। इमरान मलिक 157 की रफ्तार से बॉल फेंककर IPL के दूसरे सबसे तेज बॉलर बन जाते हैं, क्योंकि IPL की सबसे तेज गेंद 2011 में शॉन टेट ने 157.7 की रफ्तार से फेंकी थी। और इरफान पठान का तो कहना है कि इमरान मलिक जल्द ही 160 प्लस की रफ्तार को टच कर लेंगे। तो आप क्या कहते हो, क्या शुएब अख्तर का रिकॉर्ड टूटने वाला है? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा भाई साहब।